नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नववर्ष पर युवाओं में दिखा उत्साह, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पिकनिक मनाने सैंडिस में उमड़ी लोगों की भीड़। नववर्ष पर जिले भर में दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पिकनिक स्पॉट पर सादे लिबास में दंडाधिकारी के साथ पुलिस थी तैनात। नए साल के जश्न में भागलपुर के डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल। गरीबों को खिलाई मिठाई, रिक्शा चालकों के बीच बांटा कंबल। रेंज डीआईजी विकास वैभव का हुआ तबादला। सुजीत कुमार बने भागलपुर के नए पुलिस उप महानिरीक्षक। और नवगछिया डीआरएम कैंप कार्यालय में रेलवे सलाहकार समिति की हुई बैठक। यात्री सुविधा बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने पर हुई चर्चा। अब समाचार विस्तार से। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों ने दोगुने उत्साह के साथ नववर्ष का जमकर आनंद उठाया। सुबह से ही युवाओं की टोली विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर पहुंचनी शुरू हो गई थी। वहीं जिले भर में मुख्य पिकनिक स्पॉट पर बच्चों के साथ महिलाओं ने भी खूब मस्ती की और नए साल का लुत्फ़ उठाया। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड, विक्रमशिला, सुंदरवन, कुप्पा घाट, राजेंद्र भवन, टिल्हा कोठी, बूढ़ानाथ मंदिर, चिल्ड्रन पार्क समेत कई स्थानों पर लोगों ने काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ नववर्ष का स्वागत किया। साथ ही नई ऊर्जा के साथ कार्य करने का संकल्प लिया। नववर्ष के अवसर पर सबसे ज़्यादा भीड़ शहर की हृदय स्थली सैंडिस कंपाउंड में देखी गई। वहीं साझी संस्कृति, साझी विरासत पर आधारित कार्यक्रम में सभी समुदाय और मजहब के लोगों ने शिरकत की। संस्कृति समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने अपने नृत्य, नाटक और संगीत के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक प्रस्तुत की। सांस्कृतिक मेला में कलाकारों और बुद्धिजीवियों ने एक तरफ जहां अपने विचार रखे, वहीं दूसरी तरफ कवियों ने अपनी अपनी कविता के जरिए देश के हालात और मुद्दे पर प्रकाश डाला। इधर युवक युवतियों ने नववर्ष के मौके पर विभिन्न फिल्मी गानों पर जमकर डांस किया और चाट पकौड़े के साथ लजीज व्यंजन का जायजा लिया। कड़ाके की ठंड के बाद भी लोगों में नव वर्ष का उत्साह कम नहीं हुआ है। नव वर्ष को लेकर लोगों की काफ़ी भीड़ आप हमारे पीछे देख सकते हैं। भागलपुर के का जो सैंडिस कंपाउंड है उसमें मुख्य समारोह का आयोजन किया जाता है। पिछले 30 साल से जो यहाँ की सामाजिक संगठन है उसके द्वारा कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आज कड़ाके की ठंड होने के बावजूद लोग अपने अपने घर से निकले और विभिन्न पिकनिक स्पॉट पर गए और वहाँ नव वर्ष की खुशियाँ मनाएं। आप जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं वो यह बयां करती है कि नव वर्ष को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, किस तरह की उमंग है। युवाओं में सबसे ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मुख्य जो समारोह स्थल है सैंडिस कंपाउंड उसमें हो रहा है और लोग अपने अपने घर की से 11 बजे दिन के बाद ही निकलना शुरू हुए और काफ़ी उत्साह के साथ नव वर्ष को सेलिब्रेट कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, कुछ नया करने का संकल्प ले रहे हैं। साथ ही अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गई है। विभिन्न चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है और यातायात में भी कई परिवर्तन किए गए हैं। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सभी जो चिन्हित स्थान हैं जहां पर जाम की समस्या उत्पन्न हो सकती है वहां पर काफ़ी संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। नववर्ष को लेकर जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। वहीं सभी पिकनिक स्पॉट पर सादे लिबास में महिला एवं पुरुष बलों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इधर नववर्ष के उमंग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए पुलिस के जवान सुबह से ही विभिन्न चौक चौराहों पर गश्ती करते नजर आए। भागलपुर के स्टेशन चौक, खलीपाबाग चौक, ततारपुर चौक, तिलकामांझी चौक और सैंडिस कंपाउंड मुख्य द्वार के समीप पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को लगाया गया था। साथ ही भीड़भाड़ को देखते हुए तत्काल यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया था। यातायात डीएसपी आर के झा स्वयं कई स्थानों पर सुरक्षा में लगे जवानों को हिदायत देते नजर आए। वहीं सिटीएसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि नववर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सिटीएसपी ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर रोको टोको अभियान के दौरान भी युवाओं को नियम न तोड़ने का पाठ पढ़ाया गया था और यदि फिर भी कोई नियम तोड़ेगा तो पुलिस उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। हम लोग कल से तारीख जो है ना किए हुए हैं, जहाँ जहाँ भी पार्क है जहाँ लोग जाते हैं नए साल पे वहाँ पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सिविल में भी महिला पुरुष और जवान प्रतिनियुक्त है। किसी परिस्थिति में हुड़दंग नहीं कर दी जाएगी। यदि वो करते हैं तो
सख्त कार्रवाई की जाएगी। शीतलहर में एक ओर जहां लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं दूसरी ओर रोजी रोटी की तलाश में कई गरीब और निर्धन लोग कड़ाके की ठंड के बावजूद अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं। बुधवार को नववर्ष पर जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं एक युवा गरीब और जरूरतमंद लोगों को कड़ाके की ठंड में कांपता देख मिठाई खिलाकर नववर्ष की बधाई देता नजर आया। तस्वीर में आपको जो शख्स नजर आ रहा है वह किसी पार्टी या संगठन से जुड़ा नहीं है, बल्कि वह पेशे से एक दंत चिकित्सक है। भागलपुर स्टेशन चौक के समीप की यह तस्वीर नववर्ष पर इंसानियत की मिसाल पेश कर रही है। हाथों में मिठाई का डब्बा और जरूरतमंदों को कंबल बांटता यह व्यक्ति भागलपुर का प्रसिद्ध दंत चिकित्सक और पैरिया रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर अभिषेक सिन्हा से जब हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने नववर्ष के दिन कंबल बांटने का उद्देश्य पूछा तो डॉक्टर साहब का जवाब सभी संपन्न लोगों के लिए एक सबक दे गया। डॉक्टर अभिषेक सिन्हा ने 2 दर्जन से अधिक लोगों के बीच कंबल और मिठाई वितरण करने के बाद कहा कि नववर्ष मनाने का हक सिर्फ अमीरों को नहीं। डॉक्टर अभिषेक ने सभी संपन्न लोगों से जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की, साथ ही असहाय लोगों के लिए प्राइवेट स्तर पर एक राहत कोष बनाने की बात कही। तो नव वर्ष के दिन तो सभी लोग अपने फ्रेंड्स और परिवार लोगों के साथ में मनाते हैं, लेकिन आज के दिन हमने सोचा है कि जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, जो पुअर हैं, जो समाज के अंतिम छोर पे जो बैठा व्यक्ति है, तो उनको कंबल वितरण करके प्लस उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं मिठाई खिला करके दें, तो मुझे लगता है इन लोगों को पूछने वाला समाज में कोई नहीं है। तो एक छोटी सी खुशी एक पहल के रूप में हम कर सके तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बात है। तो जितने भी भागलपुर में जितने चिकित्सक हैं, चाहे दंत चिकित्सक हों या जितने भी सीनियर चिकित्सक हैं या जो संपन्न लोग हैं, अगर इसी तरीके से गरीबों के साथ एक मिठाई खिला करके, थोड़ा सा कंबल दे करके उनको कुछ खुशी मिल पर दे सकें, उनको नव वर्ष की शुभकामनाएं दे सकें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी पहल होगी। तो इसको मैं ट्विटर और फेसबुक पर भी #HappyNewYearWithThePoorAndHelpless करके और फेसबुक पर भी इसको चलाऊँगा और देखता हूँ कि शहर के जितने लोग हैं कितने लोग साथ आ पाते हैं। नववर्ष पर सरकार ने बिहार के 22 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिनमें कई ADJ रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। वहीं भागलपुर के DIG विकास वैभव को तबादला कर पटना ATS भेजा गया, जबकि उनकी जगह पर पटना रेल पुलिस अधीक्षक को भागलपुर रेंज का नया DIG बनाया गया। हम आपको बता दें कि DIG विकास वैभव ने कई बड़े मामले का उद्भेदन किया था, साथ ही जनता दरबार लगाकर हजारों की फरियाद सुनी और समस्याओं का समाधान किया था। नवगछिया मॉडल स्टेशन परिसर स्थित DRM कैंप कार्यालय में बुधवार को सोनपुर मंडल के DRM के निर्देश पर IOW राम सरित की अध्यक्षता में नवगछिया रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सलाहकार समिति के सभी सदस्य एवं नवगछिया रेलवे के सभी विभागों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में यात्री सुविधा एवं समस्याओं को दूर करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने कटिहार वरौनी रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन बढ़ाए जाने का प्रस्ताव दिया। वहीं सलाहकार समिति के सदस्य आजाद हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने स्टेशन रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने, रसलपुर ढावा के बीच ओवरब्रिज का निर्माण कराए जाने, फुटओवर ब्रिज का निर्माण, मजदूरों के लिए उपकरण एवं ड्रेस उपलब्ध कराने सहित कई मांगों को रखा। बैठक में पवन कुमार सर्राफ, अजय कुमार रुंगटा, दयाराम चौधरी, राजेंद्र यादव, स्टेशन अधीक्षक NK तिवारी सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देश का आंग्ल वर्ष है, अंग्रेजी वर्ष में कैलेंडर ईयर बदलने वाला है, 19 से 20 की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो सभी परिवारों में खुशियां हैं, सभी जो अपना काम कर रहे हैं उसको इसी लगन के साथ अगले वर्ष भी बढ़ाएं, सभी के घर में संपन्नता आए और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप इसी प्रकार देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी देशवासियों को, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, साथ ही मैं अपील करता हूं कि सड़क दुर्घटना में घायलों को जरूर मदद करें और खुद गति सीमा को नियंत्रित रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं और अपने परिवार और खुद सुरक्षित रहें। साथ ही नव वर्ष के उमंग में ठंड से बचने का ध्यान रखें, खास करके बच्चों का विशेष ध्यान रखें ताकि बच्चे बीमार नहीं। महानगर राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर की ओर से समस्त देशवासियों को और खास करके वार्ड नंबर 14 की जनता को
मैं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और भागलपुर के लिए मैं भागलपुर के प्रतिनिधि को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नए नौ वर्ष में भागलपुर की जाम की समस्या बहुत ज़्यादा है और नौ वर्ष में इसको ठीक किया जाए, यही हमारा ये अपील है। मैं डॉक्टर अशोक कुमार आलोक भागलपुर जिला वासियों के साथ साथ समस्त देशवासियों को नव वर्ष 2020 की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा देश नए वर्ष में एकता और भाईचारे की भावना के साथ आगे बढ़े, आपस में सौहार्द की भावना का विकास हो। मैं नव वर्ष के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले 2020 बहुत ही मंगलमय हो, सुखद हो, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और संपन्न रहें। मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर भागलपुर समेत हिंदुस्तान के सभी आवाम को मैं नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं और ख़ास करके हमारे जो स्टूडेंट हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो पढ़ाई पे बढ़िया से फोकस करें और पढ़ाई के साथ आप जो लोग खेल से इंटरेस्टेड हैं वो खेल पे भी फोकस करें ताकि हमारे भागलपुर का नाम और हमारे मुल्क का नाम आप रोशन करें। और पूरे भागलपुर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और युवा साथियों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि शांतिपूर्वक जहां भी जाएं पिकनिक मनाने शांतिपूर्वक मनावें, शराब का सेवन हरगिज नहीं करें और जहां पर पिकनिक मनावें वहां पर गंदगी भी नहीं फैलावें, प्लास्टिक का इस्तेमाल भी नहीं करें, जहां गंदा नजर आवे वह साफ करके अपने साथ घर ले आवे और डस्टबिन में फेंक दें। नववर्ष के शुभ अवसर पर मैं उत्तम झिंझौला क्रिएशन परिवार की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और मेरा ये कहना है कि आप सभी युवा खुद साक्षर बने, डिजिटल युग में अपने आप का पदार्पण करें और साथ ही आसपास जितने लोग हैं उनका पदार्पण भी डिजिटल युग में करा करके हमारे देश को सशक्त बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। नववर्ष का पूरे देशवासियों को हमारी ओर से हार्दिक बधाई और हम भागलपुर से अपील करता हूँ भागलपुर वासियों से कि अपने सफाई का ख्याल रखें, इधर उधर गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छ रखें, यही अपील करता हूँ। एडवांस ट्रॉमा एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर की तरफ से पूरे देशवासियों और शहरवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। नए वर्ष में हमारा एक दायित्व बनता है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पर न लड़ें बल्कि हम देश को बनाने और आगे बढ़ने के लिए खुले दिल से, खुले दिमाग से आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं पंकज कुमार मैजिकल हंडी रेस्टोरेंट की ओर से आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे रेस्टोरेंट में आइए, लजीज व्यंजन का आनंद उठाइए, कुछ डिस्काउंट भी दूंगा नए वर्ष पर। मैं शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा मुखिया ग्राम पंचायत अमडीहा सनौला की ओर से आप तमाम ग्रामीण वासियों एवं देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री अनुज झा उर्फ बाबा, समस्त देशवासी को नव वर्ष के शुभकामना देता हूँ और अमन चैन का शुभकामना करता हूँ। कैलाश प्रसाद सिंह पंचायत समिति सदस्य बोड़ा पाठकडी क्षेत्र संख्या 14, मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर अपने प्रखंड वासियों को धन्यवाद देता हूँ कि आपका जीवन सुखमय और मंगलमय हो। मैं सुभाष चंद्र भगत मुखिया ग्राम पंचायत सिलहन खजुरिया सनौला की ओर से आप सभी ग्रामीण वासियों को एवं देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद बशारुल हक मुखिया ग्राम पंचायत भतोड़िया, मैं सभी देशवासियों एवं भतोड़िया पंचायत की जनता को नव वर्ष का ढेर सारा शुभकामना देता हूँ और आशा करते हैं कि आने वाले नव वर्ष में सभी उन्नति करे, यही मेरा कामना है। मैं मोहम्मद सुहैल अंसारी वार्ड नंबर 5, आप समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपने गांव शहर की गंदगी को साफ रखें और स्वस्थ रहें। जय हिंद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई कॉरिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर, कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन।
कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। शानदार बैंक्वेट हॉल में भव्य शादी का आनंद लीजिए अब अपने शहर भागलपुर में। शहर के हृदय स्थल तिलकामांझी चौक पर स्थित मान्यवर बैंक्वेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। 23,000 वर्ग फीट में फैला मान्यवर बैंक्वेट हर तरह की आधुनिक साज सज्जा एवं सेंट्रली एयर कंडीशन के साथ शादी, रिसेप्शन, पार्टी एवं अनेक आयोजनों में चार चांद लगाने को तैयार। शानदार वेन्यू एवं लाजवाब गेस्ट हाउस बिहार झारखंड का इकलौता स्मार्ट बैंक्वेट हॉल आपके शहर भागलपुर में अब आपके लिए। मान्यवर बैंक्वेट हॉल, खुशियां बांटें अपनों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड स्थित टड़वा गांव में बुधवार को पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष शंभुदयाल खेतान की ओर से नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान गरीब एवं असहाय लोगों के बीच सैकड़ों कंबल का वितरण किया गया। साथ ही सहभोज का आयोजन हुआ जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह, पीरपैंती विधायक रामविलास पासवान, MLC डॉक्टर NK यादव, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, मेयर सीमा शाह, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक वर्ष पीरपैंती में नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। सर्द भरी हवा, कलाकारों का झुंड, बच्चों की किलकारी, मस्ती का मेला, युवाओं का मचलता मन और कुछ नया करने का संकल्प, बुधवार को कुछ ऐसा ही नजारा हर तरफ देखने को मिल रहा था। नववर्ष के आगमन पर युवाओं में जहां जोश और पिकनिक मनाने का जलवा देखा गया, वहीं सामाजिक संगठन से जुड़े लोग बुक स्टॉल, कवि मंच और परिचर्चा में अपनी बात रखते नजर आए। इधर कुछ लोग अपनी दिनचर्या से ऊपर उठकर परिवार समेत नए साल के जश्न में झूमते रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं नववर्ष पर आयोजित कार्यक्रम की कुछ झलकियां। नववर्ष को लेकर जगदीशपुर प्रखंड स्थित गोनूधाम मंदिर में सुबह से ही पूजा करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। गोनू बाबा को जल अर्पण करने पहुंचे श्रद्धालुओं में खासा उत्साह एवं उमंग देखा गया। युवाओं के साथ बच्चे एवं महिलाओं ने भी नए साल के अवसर पर बाबा गोनूधाम मंदिर में पूजा किया और देश एवं समाज की प्रगति, उन्नति एवं तरक्की की कामना की। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कहलगांव अनुमंडल के सनौला प्रखंड स्थित सिलहन खजुरिया पंचायत में जरूरतमंद एवं असहाय लोगों के बीच 500 कंबल का वितरण किया गया। मुखिया सुभाष चंद भगत ने बताया कि पिछले 3 दिनों से पछुआ हवा चलने की वजह से ठंड काफी बढ़ गई, जिससे गरीब लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही थी। लोगों की समस्या को देखते हुए पंचायत के सभी जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इस मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि सुजीत कुमार, उप मुखिया संतोष कुमार भगत, पैक्स अध्यक्ष गोपाल शाह, शंभू पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं सांस्कृतिक समन्वय समिति, सफाली युवा क्लब, आलय परिधि, ट्राइडेंट सेवा, जमात इस्लामी हिंद, हल्का ए अदब, बहुजन स्टूडेंट यूनियन, बगुला मंच, गांधी शांति प्रतिष्ठान समेत कई संगठन के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। नववर्ष पर विभिन्न सामाजिक संस्था के लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। नववर्ष 2020, हालांकि देखने में ऐसा लगता है कि यह 19-20 का अंतर है, जैसा अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर हैंडल पे कहा था और अनुराग कश्यप ने इसका जवाब दिया था बिल्कुल सटीक कि ये सिर्फ 19-20 का अंतर नहीं है। इस बार का नववर्ष थोड़ा अलग है। कारण ये है कि पिछला
वर्ष 2019 हमारा बीता है जिसमें कि हिंदुस्तान में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे बदलाव आए हैं। देखना यह होगा कि 2020 इस बार किन बदलावों को लेकर आता है और कैसा रहता है। अपेक्षा हम लोगों की कि बहुत ही खुशगवार हो, बहुत अच्छा हो, और इसी के साथ आप सबका नववर्ष बहुत अच्छा बीते। हैप्पी न्यू ईयर। सांस्कृतिक समन्वय समिति जिसमें भागलपुर की कई सांस्कृतिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं का ये 30 वर्षों से लगातार चलने वाला आयोजन है। आज के दिन यहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ, कला केंद्र की ओर से यहाँ पर पोस्टर प्रदर्शनी, पेंटिंग की प्रदर्शनी और लाइव पेंटिंग किया गया, पोर्ट्रेट बनाया गया, कविता का आयोजन हल्काए अदब ने किया डॉक्टर रवि मुर्शिद की अध्यक्षता में। उसके बाद परिधि की ओर से दो माइम हुआ, बंगला समाज न्यूज डांस अकेडमी की ओर से नृत्य हुआ, यासना पब्लिक इंस्टीट्यूट की ओर से नाटक हुआ जो सुभाष देव हैं उनके निर्देशन में कहाँ गए गांधी, और दो प्रस्तुति हुई एकल विश्व मधुर संस्था की ओर से शारदा श्रीवास्तव ने और एकता नाट्यमंच की ओर से राजेश झा ने एकल प्रस्तुति की। और इस तरह से कुल मिला जुला करके कविता, नाटक, गीत, पेंटिंग, पोस्टर और पीस सेंटर परिधि द्वारा सद्भाव पर आधारित पेंटिंग की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। और इस साल का यह मेला साझी संस्कृति, साझी विरासत और महिला हिंसा पर केंद्रित है। आज जो देश के हालात हुए हैं, कलाकारों ने उसे अपने कला माध्यम से यहाँ पर बयां किया है और सब लोगों से सामाजिक सद्भाव बनाने और देश की जो मिल्लत की संस्कृति है उसको कायम रखने का संदेश पहली जनवरी को नए साल के लिए दिया। 1989 के हादसे के बाद सामाजिक समरसता बढ़ाने के लिए भरसक कोशिश की गई और उस कोशिश में भागलपुर के सामाजिक संगठनों को जोड़ करके एक सांस्कृतिक समन्वय समिति बनाई गई जिसमें सभी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं, जो अलग अलग संगठन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मुख्य मंच सफल युवा क्लब के माध्यम से संचालित होता है जिसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। हमारे कला और संस्कृति के साथ ही दूसरे तरफ कार्यक्रम करते हैं, इसके साथ साथ सफल युवा क्लब आमतौर पर बच्चों को जोड़ करके उनके प्रतिभा को निखारने की कोशिश करता है। इसलिए प्रथम कार्यक्रम आज पेंटिंग प्रतियोगिता थी जिसमें तकरीबन 150 बच्चों ने भाग लिया, फिर चित्रकला प्रतियोगिता के बाद दौड़ की प्रतियोगिता थी, 100 मीटर 400 मीटर बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग था, फिर वो देशभक्ति गीत प्रतियोगिता है, उसके बाद 1000 मीटर की दौड़ जो बरौम बच्चों के लिए है वो अभी आयोजित होने वाला और समूह को पुरस्कार बांटा जाएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे इस इलाके को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी मिली जुली विरासत है, हमारी मिली जुली संस्कृति है, हमारी साझी संस्कृति साझी विरासत को अक्षुण रखने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना होगा। और नव्वर सांस्कृतिक मेला ये महज कैलेंडर की पहली तारीख नहीं है, ये हमारी समरसता का प्रतीक है और हम लोग इसको हर कीमत पर बनाए रखने का प्रयास करेंगे। मैं फारूक अली, सफल युवा क्लब के अध्यक्ष और सामाजिक संगठनों के संयोजन इकाई का कार्यकारी संयोजक हूँ। सांस्कृतिक समन्वय समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष नववर्ष सांस्कृतिक मेला का आयोजन होता है और इस बार हम लोगों का 31वां आयोजन है। पिछले साल 30 वर्ष पूरा हुआ था और इस बार 31वां आयोजन है और ये पूरा आयोजन भागलपुर और आसपास के अलग अलग सांस्कृतिक समूहों द्वारा मिलकर मनाया जाता है और उसी का मिला हुआ समूह है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है सांस्कृतिक समन्वय समिति। इस बार के इस नववर्ष के मेला में कहीं एक तरफ कला केंद्र द्वारा पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई, वहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र द्वारा गांधी जी के ऊपर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, आलय ने गीत प्रस्तुत किया, समवेत ने भी गीत प्रस्तुत किया, परिधि के महिला रंगमंडली ने दो माइम महिला मुद्दे पर आधारित हम हैं आधी आबादी और एक जल जो बड़ी समस्या है उस पर केंद्रित किया, वहीं यहां से दूर ममलखा की टीम
यासना पब्लिक स्कूल के बच्चों ने नाटक कहाँ गए गांधी, ये बहुत ही बेहतरीन नाटक है। एक तो गांधी के विचारों को और उनकी जीवन यात्रा को तो रखा ही, साथ साथ एक संदेश दिया कि अभी जो समाज चल रहा है, जो एक तरह से गांधी को भूलता जा रहा है, उसको सबसे अधिक गांधी की ज़रूरत है। गांधी के उन विचारों को, समता का, बराबरी का, साथ जीने का जो गांधी का विचार था, सद्भाव का जो विचार था, वो विचार का संदेश। क्या अपेक्षा है आपकी नवंबर? सरकार और प्रशासन हर साल इसके साझेदार रहे हैं। पहले सूचना जनसंपर्क विभाग हिस्सा निभाता था, आजकल प्रशासन मॉनिटरिंग करता है और उसके सहयोग से ही इतना बड़ा आयोजन हो पा रहा है। तो अपेक्षा तो हमारी ये है कि ये जो आयोजन है जिसमें उनका सहयोग मिलता रहा है, सरकार का, नगर निगम का, प्रशासन का, SDO महोदय का, DM का, तो ये सहयोग लगातार जारी रहे और इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो सरकार के द्वारा भी कुछ स्टॉल लगाया जाए। काफ़ी संशय था इस मेले को लेकर के, कई दिनों से संशय बरकरार था कला केंद्र में जो घटना हुई पिछले दिनों। संशय नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोगों का था कि इसका बहिष्कार किया जाएगा, लेकिन अंततः लोग इसमें शामिल हुए क्योंकि सबका मिला जुला एक मंच है और ये किसी एक संस्था और इसका नहीं है। पूरा शहर सांस्कृतिक समन्वय समिति को याद करता है। यहाँ कार्यक्रम हो या ना हो, शहर के लोग यहाँ आ जाएंगे, वो इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप नहीं कर रहे हैं उस सूचना का। मैं नवर सांस्कृतिक मेला का संयोजक राहुल। मेरे थीम का नाम था पहचान, जो नशाबंदी पर है, किस तरह परिवार बर्बाद हो जाता है, यही थीम लेके हमने दिखाया था। एकल नाटक प्रस्तुति किया था, एक ही तरह का, उसमें 7 रोल किया मैंने, बच्चा का, बूढ़ा का, सबको, कि परिवार बर्बाद हो जाता है नशाबंदी, अंतिम तक उसकी पत्नी मर जाती है और अस्पताल में जब इस जाता है तो यही संदेश देते हैं कि नशाबंदी आप मत कीजिए, एकदम परिवार खुशहाल रखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार झा हुआ। भागलपुर के चंपानगर स्थित मौजीलाल झा इंटर महाविद्यालय के संस्थापक सचिव सह दानदाता स्वर्गीय मनन नारायण झा की 11वीं पुण्यतिथि बुधवार को महाविद्यालय परिसर में मनाई गई। इस दौरान महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं अवकाश प्राप्त किए शिक्षक ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद संस्था के अध्यक्ष प्रोफेसर मणिनाथ चौधरी का संदेश पढ़कर सुनाया गया। मौके पर प्राचार्य कृष्ण चंद्र मिश्र, डॉक्टर अश्विनी कुमार झा, अमरेंद्र पाठक, अशोक झा सहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी मौजूद थे। अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नववर्ष पर युवाओं में दिखा उत्साह, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, पिकनिक मनाने सैंडिस में उमड़ी लोगों की भीड़। नववर्ष पर जिले भर में दिखे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पिकनिक स्पॉट पर सादे लिबास में दंडाधिकारी के साथ पुलिस थी तैनात। नए साल के जश्न में भागलपुर के डॉक्टर ने पेश की इंसानियत की मिसाल, गरीबों को खिलाई मिठाई, रिक्शा चालकों के बीच बांटा कंबल। रेंज DIG विकास वैभव का हुआ तबादला, सुजीत कुमार बने भागलपुर के नए पुलिस उप महानिरीक्षक। और नवगछिया DRM कैंप कार्यालय में रेलवे सलाहकार समिति की हुई बैठक, यात्री सुविधा बढ़ाने और अतिक्रमण हटाने पर हुई चर्चा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।